हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों अभी चल रही महामारी की वजह से सभी महादेव भक्त बहुत ही परेशान हो गए हैं और अब पूरा देश महादेव से यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी इस महामारी से महादेव हमें छुटकारा दिलाओ। दोस्तों जब भक्त महादेव को सच्ची श्रद्धा से पुकारते हैं तो महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। महादेव के चमत्कार पहले भी कई सारे हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। महादेव इस सृष्टि के पालनहार है और उन्हें पता है कब क्या करना है। और पहले भी दुनिया पर एक संकट आया था जो एक विष था और महादेव तब अपने भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट होकर उस विष को ग्रहण किया था और सृष्टि को बचा लिया था। दोस्तों फिर से एक बार एक वायरस, एक जहर जो अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिससे लाखों लोग मर गए हैं और लाखों लोग अभी भी इस महामारी से संक्रमित है। और यह महामारी इतनी खतरनाक है कि इसका इलाज अभी तक किसी देश ने शोध नहीं पाया है और एक दूसरे के संपर्क में आने से यह वायरस कई लोगों तक फैल चुका है। इस वायरस से जो लोग संक्रमित होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और कई लोग इसकी वजह से मर भी चुके हैं। दोस्तों हमारे देश भारत में भी परिस्थिति अभी बहुत ही खतरनाक है और अनेक राज्यों में यह महामारी तेजी से फैल रही है, लेकिन अभी भी लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे घूमते रहते हैं। दोस्तों अब पूरा देश महादेव से प्रार्थना कर रहा है कि महादेव जल्द ही प्रसन्न होकर इस वायरस का अंत कर दो। महादेव अब इस महामारी से क्रोधित हो गए हैं और अब जल्द ही अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और इस महामारी को भस्म कर देंगे। महादेव पे पूरा भरोसा है, महादेव जल्द ही इस महामारी से पूरी दुनिया को और हमारे देश भारत को जल्द ही छुटकारा दिलाएंगे। दोस्तों इस महामारी की वजह से महादेव के जितने भी भक्त हैं और जो लोग भारत में हैं और विदेश में हैं वो सभी लोग अभी अपने घर पर बैठकर महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महादेव जल्दी हमारी पुकार सुन लो। दोस्तों महादेव अपने भक्तों पे जब भी कोई परेशानी और दुख आता है तो जल्दी पुकार सुनते हैं और अभी महादेव जल्दी से कैलाश से आकर अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और इस महामारी नामक राक्षस का अंत कर देंगे। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि देवों के देव महादेव पूरी दुनिया के सृष्टि के पालनहार है, हमें फिर से जरूर इस खतरे से बचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में जरूर कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा।